आज मेरे को 25 साल हो गए संगठन में काम करते करते गुप्ता जी, 25 साल विभिन्न संगठनों में जो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हैं, चाहे राजनीति हो, 20 साल से राजनीति में हो, मेरे को एक साल आगे कितने आदमी जोड़ोगे? जितना आप कहोगे। नहीं, हम हिम्मत रखते हैं गुप्ता जी, आप मेरे को 24 घंटे का समय दे देना, आपकी अब तक की जो कार्यक्रम पलवल में हुए अगर उससे डबल ना हो तो मेरा नाम बदल देना। मेरी जो कैपेसिटी है आपको करके दिखाऊंगा। लिख लो जी, 200 लिख लो एक महीने में। एक महीने का बनाने का, एक महीने का पार्टी के लिए लाइफ टाइम। मैं फुल टाइमर हूँ गुप्ता जी, फुल टाइमर लिखो भाई, ताली बजाओ। ठीक है, मैं फुल टाइमर हूँ, फुल टाइमर हूँ गुप्ता जी, फुल टाइमर लिखो भाई, ताली बजाओ। ठीक है, कभी भी याद करना, मैं फुल टाइमर हूँ। और मैं आप संगठन की आपको बात बताता हूँ। बहुत बढ़िया, बताओ। ये 3 क्वेश्चन सबको पूछना है। कब से जुड़ा है, कितना टाइम देगा और कितना आदमी जुड़ा? लेकिन गुप्ता जी समय आपको भी देना पड़ेगा हमें। कब से जुड़ा है, कितना टाइम देगा और कितना आदमी जुड़ा? लेकिन गुप्ता जी समय आपको भी देना पड़ेगा हमें। लेकिन गुप्ता जी समय आपको भी देना पड़ेगा हमें। चलो भाई, 24 घंटे पार्टी के साथ तो हम भी 24 घंटे तैयार हैं। काम नोटा दो, हम रात को 2 बजे भी अगर आपको कॉल करेंगे तो 2 बजे भी आपको जगना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अजवा भी लेंगे गुप्ता जी। हाँ, हम अजवा भी लेंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है कि हम अपने नेता को सोने नहीं देते कभी भी। संगठन की बात यह है कि कोई भी संगठन पहले उसका लक्ष्य निर्धारित होता है, उसके बाद विचार बनते हैं, विचार से विचारधारा बनती है, विचारधारा से संगठन बनता है। ये इसकी मूल मंत्र है संगठन का, पहले उसका विचार, फिर विचारधारा, फिर संगठन। ये एक संगठन की प्रक्रिया है कि उसका लक्ष्य क्या है, हमारे संगठन का क्या लक्ष्य है। अब हमारे जो केजरीवाल जी, हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो बड़े सूझबूझ के आदमी हैं। उन्होंने बड़े अपने सूझबूझ से जो हमारी एक बॉडी स्टेट में बनाई है, वो बहुत बड़े सूझबूझ से बनाई है, वो भी एक बहुत बड़े सुलझे हुए हमारे नेता हैं। उसके लिए मैं अगर गुप्ता जी एक मिनट ले लूं तो आपको हर्ष तो नहीं। एक बार एक राजा ने कहा कि भाई सब लोग देहात में एक बात कहते हैं कि भाई पंच पन्वेषण, 5 आदमियों का फैसला मान लेना चाहिए। तो उसने अपनी वेशभूषा बदली और वो देहात की तरफ निकल चला। निकलते हुए एक उसे एक जो है हमारे चंद्रशेखर जैसा एक भाई मिल गया, वो हल चला रहा था रास्ते में। तो उसने कहा कि भाई, खाना खा रहा था, उसने कहा कि जी आप खाना खाओ। खाना खाने के लिए बैठ गए दोनों जने, तो खाना खा करके बोले कि भाई मैं, उस हरि ने सोचा कि भाई ये लगता तो नहीं कहीं वैसे है, ये अच्छे कुलीन घर से है, अच्छे बढ़िया घर से है, तो कैसे आया। तो उसने पूछा कि बताओ कोई अगर मेरे लायक और सेवा है तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास एक सेवा है, मेरे एक समस्या है मेरी, मैं उस देश का राजा हूँ और राजा होने के नाते मेरी कुछ समस्या आ गई है, और मेरे को इतना कुछ अगर आप धन मुहैया करा दें तो आपका बड़ा आभार होगा। तो उसने कहा कि मैं धन तो मुहैया करा दूंगा, लेकिन मेरी बेटी की शादी है 1 महीने बाद, तो आपको उसमें देना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उस वो घर गए, उसको जो उनके पास जो पैसे जमा बेटी की शादी के लिए किए थे वो वापस उस राजा को दे दिए। 1 महीने का समय दिया था, उन्होंने कहा ठीक है। उनका समय निकलता जा रहा था, बल्कि राजा पैसे देने के लिए नहीं आए। देते देते कुछ समय हो गया तो बेटी की शादी का समय भी निकल गया, राजा भी नहीं आया। तो वो पहले एक बार खुद गए राजा के दरबार में, उन्होंने कहा कि भाई राजा साहब, मैंने आपसे एक दरखास्त करनी है। मान के बोलो कि मेरा कुछ आपसे अर्ज है, और आप अर्ज समझ गए होंगे।
वहाँ की मेरा आपके क्या बताओ खुल के, क्योंकि आपने मेरे से पैसे लिए थे ऐसे ऐसे वहाँ की बात। उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैं इतने बड़े राज्य का राजा हूँ और मेरे पास पैसे की क्या कमी है जो मैं आपसे लूँगा। उसने कहा नहीं, आपने लिए थे वहाँ की, कोई पैसे नहीं। वो दोबारा अपने घर आया, उसने चार आदमियों से गुप्ता जी जैसे से सलाम वसूरा किया कि भाई अब तो पंचों में बात डालनी पड़ेगी। तो पंचों में बात डाली तो उन्होंने कहा कि भाई, पंचों ने कि भाई हमें तो असंभव सा लग रहा है वैसे तो, कि भाई राजा आपसे पैसे लेके गया, लेकिन चलो आपकी बात को मान लेते हैं, एक बार फिर तगादा करने के लिए राजा साहब केजरीवाल के पास चलते हैं। तो वहाँ चले गए। जाने के बाद उनके दरबार में हुआ तो राजा को दिख गया, हाँ भाई संतरी आप तो हाय तो हैं। तो उन्होंने कहा कि बताइए मेरे लायक क्या सेवा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वहाँ की सेवा तो कुछ नहीं है कि भाई चंद्रशेखर के कहे अनुसार, हम नहीं कह रहे, चंद्रशेखर कह रहा है कि भाई आप पे हमारे कुछ पैसे हैं। उसने कहा कि अजी ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो एक राजा ने जब ये बात कही तो एक बहुत सुलझे हुए पंच थे हमारे सुशील गुप्ता जी और अन्य साथी, उन्होंने कहा कि भाई इस पर पैसे तो हैं, नहीं तो इतना बात तो ये आदमी भी पीछे नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है। तो उसने कहा भाई अगर तेरे कहे अनुसार पैसे हैं तो ये बता दिए कहाँ थे तूने पैसे। वानकी जी मैं ऐसे ऐसे उस पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, मैं खाना खाया फिर इसको ला करके पैसे दिए तो वो पेड़ के नीचे दिए थे। वानकी कोई गवाह योगे जी पेड़ ही है। तो उसने कहा ठीक है, तो आप एक काम करो, जिसके पैसे थे उन पंचों ने सुझाया कि भाई आप एक काम करो, दो घंटे में उस पेड़ के पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़ के ले आओ पांच और जल्दी आना। राजा को पता था कि दो घंटे में तो ये पैदल वापस नहीं आ सकता। उसने कहा जी ये तीन घंटे में भी नहीं आएगा। तो सुशील गुप्ता जी जैसे ने उसकी गर्दन पकड़ी, उसने कहा भैया तुझे क्या पता तीन घंटे में नहीं आएगा, ये पैसे दे दे जा, पैसे दे दे जा, तुझे क्या पता ये दो घंटे में आएगा कि नहीं आएगा। तो हम तो आपको अपना सरदार मानते हैं, आपको अपना जो है हुकुमरानी मानते हैं, आप हमें जो आदेश दोगे हम तो दो के काम है तीन में करेंगे, लेकिन पैसे मांगेंगे जरूर गुप्ता जी। ये देख लेना हम अपनी बहुत बहुत आभार, समय दिया और सुना बहुत बहुत, और मेरी समस्त जितने भी नवनियुक्त और पदाधिकारी हैं सबको पुनः फिर बधाई, धन्यवाद।